जी डोरमेंसी इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट जर्मिनेशन ड्यूरिंग अनसुटेबल इकोलॉजिकल कंडीशन। जितने जर्मिनेशन कौन सी कारण द्वारा न हो पार से आम कह सीड डोरमेंसी। तार टाइप्स फर्स्ट टाइप हूँ टू डोरमेंसी और इंडेड टाइप। इट इज कॉज्ड बाय कंडीशंस विद इन द सीड दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन अंडर नॉर्मल आइडल कंडीशन। टू डोरमेंसी चार्ट टाइप अच्छे दैट इज एक्सोजिनस कम्बिनेशनल एंडोजिनस एंड सेकेंडरी। एक्सोजिनस मैंने जो कंडीशन आउटसाइड रू क्रिएट हो कि मैंने प्रिवेंशन करते आ जो कंडीशन गुड़ाक एम्ब्रियोर विदिन यहाँ हूँ फिजिकल मेकानिकल केमिकल। एंडोजिनस हूँ फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड कंबाइन। ये दुटा भितर एग्जामिनेशन पॉइंट रू मन रखापी इजी हे। देखो फिजिकल को तुम कनेक्ट करदेव फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल को कनेक्ट करदेव मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल को तुम कनेक्ट करदेव कंबाइन। यहाँ इंपोर्टेंट ये बिकज आम एक्सोजिनस फिजिकल मैकेनिकल केमिकल एंड एंडोजिनस फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड कंबाइन गुटाक ही पढ़वा। स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल डोरमेंसी जोटा कौन पर इम्पेरेबिलिटी से सीड कोड को मैंने फिजिकली किसी डैमेज करना तो सीड कोड को सी इम्पेरेबल कर दिए। जेहेतु से इम्पर्मिएबल हो जाए से सीड किसी भी मानी वाटर गैसेस कि नहीं पारे आम तो जानचे कि गोटे सीड्र जर्मिनेशन वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट तो फिजिकली डैमेज कर दिए। आउ सेवरल अदर फैक्टर्स केमती कौन सी मैंने डैमेज करे से हाई टेम्परेचर फायर फ्रीजिंग ड्राइंग और पासिंग थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्स आउरी माने फिजिकली से सीड को जहाँ भी डैमेज कर पारे जो द्वारा जर्मिनेशन न हो पारे कह जाए फिजिकल डोरमेंसी। मेकानिकल डोरमेंसी कौन हो जाए तर सीड कोट किंबा कवरिंग टू बहुत हार्ड हो जाए मैंने टू से मैंने परमिएबल हेले ही सी ये करना वाटर भितर को आसब इमपरमिएबल होटा कौन से बाहर कज होता डैमेजा बाहर होता है फिजिकलटा यहाँ कौन हो विदिन भितर यहाँ कज हो ओके मेकानिकलटा। देन केमिकल डोरमेंसी तार ग्रोथ रेगुलेटर गुड़ाक किसी मानने हार्मोन्स गुड़ा कि रिलीज हेन तार किसी ग्रोथ ही हेनी तो से जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर दिए। तो एंडोजेनस कौन हो इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो और सीड जर्मिनेशन विद इन केमिकल चेंजेस ओवर ब्रोकन व्हेन इनएबिलिटी केमिकल्स आर ब्रोकन डाउन। जमती ड्राइंग पीरियड भितर से लो मॉइस्चर कंटेंट हो जाए तो जर्मिनेशन से ही पारिबनी। फोटोडर्मिनेंसी फोटो मीन्स लाइट तार वो भल मिलनी। थर्मोडर्मिनेंसी तार मैंने टेम्परेचर सेनसीटिव टू टेम्परेचर आई तर बहुत गरम हो बहुत थंडा हो जाए तार आइडियल कंडीशन हो पारनी। देन तापर मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल कौन हम जो एम्ब्रियोटा आमर अंडर डेवलप हो वाटर गुड़ाक मैंने किसी ये एब्जॉर्ब कले भी मानने से कौन राइप हेले ही मानने जर्मिनेशन हे ना तो से राइप हेनी सीड गुड़ाक ओके। देन कंबाइंड डोरमेंसी कंबाइंड डोरमेंसी हूँ मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। तापर जो अंडर डेवलप्ड आउ रिक्वायर्ड केमिकल्स टू ब्रेक डोरमेंसी मानने तार मॉर्फोलॉजिकल कौन रिक्वायरमेंट हे केमिकल रिक्वायरमेंट हे एंड फिजियोलॉजिकल कौन अंडर डेवलप से हो तार अलग टाइप कॉम्बिनेशनल देन सेकेंडरी। नेक्स्ट हूँ कॉजेस कौन कौन कॉजेस हो पार फर्स्ट हूँ एनवायरमेंटल आइदर बहुत अधिका हम कि एक्सट्रीम कंडीशन गुड़ाक आइडल कंडीशन है हाई टेम्परेचर एब्सेंस ऑफ वाटर रिंबा ओवर वाटर रही पारे जो कौन से कंडीशन हो पारे। इंटरनाली केमती हूँ सीड कोटिंग इमेच्योर एम्ब्रियो लो एथनिल मान जहाँ भी तार हार्मोन जहाँ भी ग्रोथ हार्मोन्स गुड़ाक जो भलसे नथिबे ओके। जेनेटिकली से मॉडिफाई भी हो पारे टाइमिंग ऑफ मेकानिजम अधिका जल्दी हो पारे किंबा परे भी हो पारे। मेथड्स टू ब्रेक डोरमेंसी डोरमेंसी आम कमी ब्रेक कर पारे आर हार्ट सीड कोड जदि थोड़ा रिमूव्ड बाय ह्यूमन और नेचर ओके। देन सेकंड जब लाइट सेंसिटिव सीड थी एक्सपोजर टू लाइट
କିମ୍ବା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଇସବୁ ଯାକ କରିପାରିବା। ରୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ସ ବି ଆମେ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ସ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ ବି କରିପାରିବା। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଉଛି। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ? ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଉଛି ଡର୍ମେନ୍ସିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ବି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ବି ଅଛି। ଓକେ, ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ କି ଯେ ସପୋଜ୍ ଧର କି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡ୍ରଟ୍ ଚାଲିଛି, ୱାଟର୍ ମାନେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସିଡ୍ଟା ଜର୍ମିନେଟ୍ ହୋଇପାରୁନି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତା'ର ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ମିଳିବ ସେ ସେତେବେଳେ ଜର୍ମିନେଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ବି ହୋଇପାରେ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଆମର ଫସିଲ୍ ସିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ମିଳିଥାଉଛି, ଗିଙ୍କୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଥାଉଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଲି ସ୍ପେସିସ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସେଇଟା ହୋଇଥାଉଛି। ସିଜନାଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ରୁ ବି ସେଇଟା ମାନେ ବଞ୍ଚାଇଥାଉଛି। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରୁଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ସିଡ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଜାପାନରେ ମିଳିଥାଉଛି ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେମିତି ଆସୁଛି, କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆଫ୍ରିକାକୁ କେମିତି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଯେମିତି ସିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜର୍ମିନେଟ୍ ନହେଲା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛନ୍ତି, ବାର୍ଡ଼ସ୍ ହଉ ଆନିମଲ୍ସ ହଉ କି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ବି ହଉ, ସେଇଟା କ୍ୟାରିୟର୍ ହୋଇକି ଯାଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ଓକେ।